अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नवीद अली। दोस्तों मैं आज आपको क्रिएटिनिन की टेस्ट करना सिखाऊंगा। क्रिएटिनिन की टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रिएटिनिन की टेस्ट करने के लिए हमें रीजन चाहिए होता है क्रिएटिनिन का। ये हमारा क्रिएटिनिन का रीजन, आप देख सकते हैं रेंडक्स क्रिएटिनिन लिखा हुआ है और R1B और ये है R1A। हमें टेस्ट करने के लिए ये रीजन हमें 250 लेना पड़ता है, 250 इसमें से 250 इसमें से ट्यूब में लेते हैं, ठीक है। 250 सैंपल लेने के लिए हमारा ये जस्टर है, इसमें से हम लेते हैं, जस्टर में से लेते हैं 250 एम एल। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको 250 पर फिक्स कर दिया। हमें 251 में से चाहिए होता है, 252 में से चाहिए होता है। मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं पहले किट को ओपन करूँगा। देख सकते हैं ये मैं 250 रीजन ले लिया, वन का, और 252 का रीजन होगा। रीजन नंबर टू में से लूँगा। ये दोनों मैंने मिक्स कर दिया एक ट्यूब में, 251 252 रीजन। हम इसकी टेस्ट डायरेक्ट लगाते हैं, सीरम डाल के डायरेक्ट हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। टेस्ट करने के लिए हम हमारी ये बायो की मशीन, इसमें हम टेस्ट करते हैं। हम इस बायो की मशीन को ऑन कर देते हैं। ये मैंने अपनी बायो की मशीन ऑन कर दी है, इसमें से अब मैं टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान हो गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान हो गई है। आना चाहिए तो इस ग्रीन वाला बटन को ओपन कर, ओके करना है, ओके कर दूंगा तो इसका ये कुछ मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में से हमें कंसंट्रेशन में जाना पड़ेगा, उसमें सारी टेस्ट हैं। मैंने इसको ओके कर दिया यहाँ तो ग्रीन वाला बटन से, जैसे ओके किया तो इसका ये मेन्यू ओपन हो गया टेस्ट का। आपको दिखाई दे रहा है एसिड फॉस्फेट लिखा हुआ है, ADA एल्ब्यूमिन LP। हमें करनी है टेस्ट क्रिएटिनिन की टेस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट नंबर, यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्रिएटिनिन टेस्ट पर, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस टेस्ट नंबर, हमारा टेस्ट का नंबर है 8.7। मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ पर लिखा गया। यहाँ से मैं ग्रीन वाला बटन से ओके करना, जैसे ओके किया क्रिएटिनिन का मेन्यू ओपन हो गया, इसमें से हम टेस्ट लगाते हैं। इंसर्ट बेस लाइन में ये वाटर मांग रहा है, डिस्टर्न वाटर हम देते हैं। ये टाइमिंग हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, इंसर्ट बेस लाइन में हम यहाँ से इसको डिस्टर्न वाटर देते हैं। इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, रिमूव सैंपल वाटर रिमूव कर देना है। मैंने वाटर रिमूव कर दिया,
टेस्ट लगाने के लिए इस सैंपल पर क्लिक करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, मैंने पहले ही बना दिया, वो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। अभी हमें इस सैंपल पर क्लिक करनी है, ठीक है। ये एंसर सैंपल मांग रहा है, अब हम यहाँ सैंपल बनाएंगे। टेस्ट के लिए हमें 50 माइक्रो रीजन सीरम चाहिए होता है ब्लड का। ये मैंने ले लिया 50 माइक्रो सीरम, अब मैं इस ट्यूब में डालूँगा। ट्यूब में डाल के मिक्स करके डायरेक्ट इसकी रीडिंग लेते हैं। यहाँ से मैं इसको इन करूँगा। इसका टाइमिंग आना हो गया, इनक्यूबेटिंग टाइम। ये इनक्यूबेटिंग टाइम तकरीबन 1.5 मिनट तक है, 1.5 मिनट पूरा जाएगा, उसके बाद इसकी रीडिंग आएगी। दोस्तों हम देख सकते हैं रीडिंग टाइम ख़त्म हो रहा है, जैसे रीडिंग टाइम क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट आ जाएगी सेंटर। देख सकते हैं कंसंट्रेशन के नीचे इसकी रिजल्ट आ गई, 0.9 mg/dL। ये 0.9 इसकी रिजल्ट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी नॉर्मल रिजल्ट 0.9, हम देख सकते हैं इसका वैल्यू लिखा हुआ है 1.4, इसका नाम है वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी क्रिएटिनिन की रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल का बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।